एक्स 280 दिया हुआ था और वाई था 2a² t² राइट। और हमें निकाला था dy बाई dx। तो हम क्या कर सकते हैं, एक अप्रोच हो सकती है कि dx बाई dt निकाल लेते हैं। dx बाई dt आ जाएगा आपका 2a, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t का डेरिवेटिव 1, तो इसका आंसर आ गया 2a। dy बाई dt निकालते हैं, तो dy बाई dt के लिए कांस्टेंट को एज इट इज रखते हैं राइट, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t। तो यानी फाइनली हमारे पास आ गया 4a² t। अब क्योंकि हमें निकालना था dy बाई dx, और dy बाई dx होता है हमारा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, तो हम दोनों रिजल्ट को यानी इस रिजल्ट को इस रिजल्ट से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 4a² t डिवाइड बाई 2a। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 2a t। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम कर सकते थे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि ए मैट्रिक्स जो है वो 3b मैट्रिक्स के इक्वल है राइट, और हमें निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं कि 3b, यानी ये ए की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की कि अगर कोई कांस्टेंट किसी डिटरमिनेंट के अंदर आए तो ये कांस्टेंट जो है के ये बाहर आ सकता है और इसकी पावर में आएगा ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, यानी जिस भी ऑर्डर का डिटरमिनेंट है वो बाहर आएगा राइट। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे क्योंकि 3 कांस्टेंट है, तो इस 3 को बाहर लाते हैं पहले। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेंशन था कि ये जो ए और बी मैट्रिक्स हैं इनका ऑर्डर है 3, तो यानी 3 की पावर में आएगा ऑर्डर, तो ऑर्डर हो गया 3, तो 3 की पावर 3 हो गया 27, और बी डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको दे रखी थी क्वेश्चन में 2, तो आंसर हो जाता 54। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और हमें दिया था कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है राइट, तो हम पहले लेफ्ट एलिमेंट निकालते हैं क्योंकि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है 0 पे, तो लेफ्ट एलिमेंट निकालते हैं 0 पे, यानी एक्स हो जाएगा 0 - h। और हमें बोला गया था फंक्शन जो लेना है वो यहाँ पे मैं फंक्शन लिख देता हूँ कि जो फंक्शन है ये है f(k)x/x व्हेन एक्स इज लेस देन 0, एंड यहाँ पे दिया हुआ था 3 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्योंकि जो फंक्शन है यहाँ पर लेफ्ट एलिमेंट में 0 - h है, यानी 0 से लेस हो गया, तो हमें ये वाला फंक्शन लेना था। यहाँ पे हम x की जगह पुट करते -h, तो पुट करते हैं, देखते हैं क्या आती है लेफ्ट लिमिट, लिमिट h टेंड टू 0 के इंटू -h अपॉन -h का मॉड राइट। मॉड से तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है, तो इस पार्ट का जो आंसर है लेफ्ट लिमिट का वो आ जाता -kh/h, क्योंकि मॉड से हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है, तो ये एच एच कट जाता है, माइनस के आपकी आ जाती है लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट हो जाते हैं। राइट लिमिट दी हुई है हमें x = 0 + h, और क्वेश्चन में बोला हुआ है जब x 0 से बड़ा हो यहाँ पे, तो फंक्शन के लिए सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 है, यानी हमारी राइट लिमिट आ जाती है फंक्शन की 0 + h 3। और क्योंकि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो लेफ्ट लिमिट माइनस के और राइट लिमिट 3 बराबर होगी, तो k की वैल्यू आ जाएगी -3, और हमसे ये k की वैल्यू पूछी हुई थी, तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में बोला था कि हमारी एक जो लाइन है वो 90 डिग्री एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ, यानी हमें पता है कि अल्फा जो एंगल है, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट करते हैं अल्फा से, वो 90 है। बीटा जो एंगल बना रही है लाइन वो बना रही है 60 डिग्री y के साथ। हमें गामा निकालना था कि क्या होगा, हमें एक प्रॉपर्टी पता है एक लाइन के बारे में, अगर हमारे को एंगल पता हो तो डीसी के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज 1 होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, कॉस स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 60, और गामा की वैल्यू हमें नहीं पता थी, तो हम यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं। कॉस 90 होता है 0, कॉस 60 होते हैं हाफ, तो हाफ का जब स्क्वायर करोगे आप तो ये बन जाएगा 1/4, तो कॉस स्क्वायर गामा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 - 1/4,
यानी 3/4। अब कॉस गामा निकालना है तो स्क्वायर हटाते हैं, इस साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस √3/4 आ जाएगा, यानी प्लस माइनस √3/2 हमारे पास कॉस गामा की वैल्यू आ गई। बट हमें तो गामा निकालना है, और क्योंकि बोला हुआ ये आपका एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल में हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो इसका आंसर आ जाता है कॉस गामा इक्वल टू √3/2। और हमें पता है कॉस के लिए √3/2 कब होती है, 30 डिग्री पे। तो गामा यानी जो लाइन एंगल बना रही है जेड एक्स के साथ वो 30 डिग्री बना रही है। अगर दिया हो तो ऑब्टूस एंगल, तो कॉस गामा को -√3/2 लेते हैं और आंसर आता है 150 डिग्री, यानी 180 में से माइनस एक्यूट 180 माइनस 30 150 डिग्री, राइट।